नामों ने सियासत को गर्मा दिया है। बहरहाल बीजेपी ने रणनीतिक तौर पर लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी। करणपुर चुनाव परिणामों ने कांग्रेस को तो उत्साहित कर ही दिया है, लेकिन बीजेपी को भी चौकन्ना कर दिया। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। 25 लोकसभा सीटों में से कुछ सीटों पर बीजेपी को विशेष तैयारी करनी है। विकसित भारत संकल्प यात्रा बीजेपी की चुनावी तैयारी का ही हिस्सा है। देखते हैं एक खास रिपोर्ट। श्री करणपुर चुनावों ने राज्य की बीजेपी को चकित और सजग कर दिया है। करणपुर चुनाव परिणामों ने कांग्रेस को मजबूत किया है और बीजेपी के खिलाफ प्रहार करने का अवसर दिया। बीजेपी का सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को मंत्री बनाने का फॉर्मूला कारगर साबित नहीं हुआ। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने करणपुर में रूबी कुन्नर की विजय को बीजेपी के खिलाफ बड़ा मुद्दा बनाया है। तो वही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि पराजय की समीक्षा करेंगे। कि राजस्थान में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, ये जनता का फैसला तो है, पर जनता को अभ्यास हो गया कि हमने गलती कर ली और इससे ये परिलक्षित हो रहा है कि लोगों ने ये कहा कि हमने इतनी हिटलरशाही करने के लिए आपको मैंडेट नहीं दिया था कि आप चलते चुनाव में जो व्यक्ति चुनाव में प्रत्याशी हो उसको आप जो है वो मंत्री बनाओगे और जनता को आकर्षित करने का काम करोगे या बरगलाने का काम करोगे या उनको प्रभावित करने का गलत तरीका आप लोग अपनाओगे, ये जनता को नागवारा गुजरा। चुनाव हार गई वहां पर सरकार होने के बावजूद, क्या कारण रहा कि चुनाव नहीं जीत पाई बीजेपी? इसके कारणों की समीक्षा करेंगे, बहुत जल्दी आपको बताएंगे। बहरहाल बीजेपी को अंदाजा है कि श्री करणपुर चुनावों से अलग लोकसभा चुनावों का समीकरण होगा, लिहाजा उसी अनुरूप तैयारी कर रखी है। पीएम मोदी को फेस मानकर बीजेपी राज्य की सत्ता में काबिज हुई थी। नरेंद्र मोदी के फेस के बलबूते ही बीजेपी को लोकसभा चुनावों में जीत का भरोसा है। मैं इतनी लंबी लिस्ट आगे गिनाते गिनाते थक जाऊंगा, ऐसा नीचे से नीचे लेके और राष्ट्र हित के बड़े से बड़े मुद्दे हों, चाहे आर्थिक क्षेत्र का मुद्दा हो जिसमें भारत 10वें नंबर से आर्थिक शक्ति था 2014 से पहले और अब 5वें नंबर पे आ चुका है और अगले तीसरे कार्यकाल में मोदी जी के में तीसरे नंबर पे भारत आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि ऐसे विजनरी नेता का नेतृत्व हमारे पास है जो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी इस बार तीसरी बार मोदी सरकार होगी और वो भी 400 पार होगी। लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी ने तैयारी शुरू कर रखी है, जिसको लेकर लोकसभा सीटों को 3 लेयर में बांटा गया है। 25 सीटों पर ए, बी और सी कैटेगरी बनाई है। ए कैटेगरी में झालावाड़, बारा, कोटा, बूंदी, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, जयपुर ग्रामीण, जालोर, सिरोही, जोधपुर, राजसमंद। बी कैटेगरी में अलवर, बीकानेर, भरतपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़। सी कैटेगरी में धौलपुर, करौली, दौसा, टोंक, सवाईमाधोपुर, सीकर, झुंझुनू, चुरू और नागौर। सूत्रों के मुताबिक यहां अंदरूनी सर्वे हुआ। उधर सहानुभूति कार्ड राजस्थान में तकरीबन 100% सटीक बैठता है और ये श्री करणपुर में फिर चरितार्थ हुआ। गहलोत राज में जो भी विधानसभा उपचुनाव हुए थे, राजसमंद छोड़कर सभी जगह उपचुनाव में कांग्रेस सहानुभूति कार्ड पर जीती थी। सहाड़ा, वल्लभ नगर, सुजानगढ़ में सहानुभूति कार्ड चला था। बीजेपी बीते कांग्रेस राज में केवल एक विधानसभा उपचुनाव जीती थी। राजसमंद में दीप्ति किरण माहेश्वरी ने सहानुभूति कार्ड पर उपचुनाव जीता था। अब श्री करणपुर का चुनाव रूबी कुन्नर ने अपने दिवंगत पिता गुरमीत सिंह के नाम पर जीता है। कांग्रेस ने बीजेपी को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि राजस्थान में 25 सीटों पर लोकसभा चुनाव में नई रणनीति अपनानी होगी। कहा जा रहा है कि करणपुर चुनावों की हार के बाद श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ लोकसभा सीट पर बीजेपी ने फिर से मंथन करने का निश्चय किया है। नरेंद्र मोदी के फेस के साथ ही राम मंदिर लोकसभा चुनावों में बड़ा मुद्दा होगा। श्री करणपुर का चुनाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद लिटमस टेस्ट कहा जा रहा था। कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव को जीत कर एक संदेश राजनीतिक तौर पर देने का काम किया है कि लोकसभा चुनाव का टास्क इतना आसान भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं होगा। यही कारण है कि कुछ ऐसी सीटें हैं जिन पर बीजेपी ने अभी से रणनीति बनाने का काम तेज कर दिया है, जिनको एवरेज कहा जा सकता है, सी कैटेगरी में कहा जा सकता है। संभव है कि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव के दरमियान टिकट वितरण में कुछ पुराने चेहरों की जगह नए चेहरे भी हमारे सामने नजर आए। कैमरा जर्नलिस्ट यश के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया।